स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, बोर्ड परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा ली जाएगी, चाहे बच्चे कोविड-19 पॉजिटिव ही क्यों ना हो। परीक्षा देने आने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान किसी बच्चे को बुखार या जुकाम लगता है तो उनकी भी परीक्षाएं ली जाएंगी। ऐसे बच्चों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए SOP गाइडलाइन के तहत कैसे ऐसे बच्चों की परीक्षा लेनी है, क्या सावधानियां अपनानी है, इनविजिलेटर को क्या सावधानी रखनी है, यही नहीं कोविड-19 संक्रमित स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका का पैकेट कैसे बनाना है, उसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करनी है, इन सब का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन परीक्षा निर्धारित तिथि को ही होगी। बोर्ड के एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जब भी जिस तिथि को एग्जाम होना है उस तिथि को हम एग्ज़ाम लेंगे, चाहे बच्चा कोविड पॉजिटिव भी निकल जाए या बच्चे थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको लगता है कि टेम्परेचर है या जुखाम है तो उनके भी हम लेंगे, लेकिन उनको अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी और उसमें जो SOP गाइडलाइंस के तहत कैसे उनका एग्जामिनेशन लेना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, इनविजिलेटर को क्या सावधानियाँ रखनी है और उनका पैकेट भी कैसे पैक करना है, अलग से पैक करना है, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए बाद में, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम होगा।